जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्री राम जय बजरंग बली हर हर महादेव जय श्री कृष्ण राधे राधे। आज हम मौजूद हैं तबेले के अंदर, और तबेले से जो ये विग्रह जो है जगन्नाथ जी की आज लेके जाएंगे हम। कहाँ लेके जाएंगे लता जी? जिगरोट। तो जिगरोट पे स्थापना की जाएगी आज जगन्नाथ जी की, और यहाँ से लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो ये निर्माण किया था जब किशोर कृष्णदास बहुत छोटे थे बचपन में, तब इन्होंने यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण किया था, और मंदिर बहुत मुश्किल से बना था। हाँ। और अब भगवान की विशेष कृपा हो गई है इन पे कि इनका अपना जो भवन जो है वो तैयार हो चुका है। अभी अपने भवन में लेके जा रहे हैं भगवान जी को, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या कहेंगे लता जी? आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब लेके जाएंगे भगवान को यहाँ से, धाम धूम से लेके जाएंगे, और वहाँ भी जब इस्तकबाल के लिए भगवान के खड़े तबेले उधर डिगरोट में, तो प्रभु वही मौजूद है कृष्ण किशोरदास, तो आपको दिखाएंगे। हम हमारे पीछे देख भी रहे होंगे मंदिर का ध्वजाएं लहरा रही है, तो ये रमा पीर का मंदिर है हमारे पीछे बिल्कुल, और उसकी ध्वजाएं आप देख रहे हैं किस तरीके से लहरा रही है। इसी तरीके से जीवन में भगवान सदा जो है कृष्ण किशोरदास की भी जीवन में इसी तरीके से ध्वजाएं भी लहराती है, और जगन्नाथ जी की 15 यात्रा तो हो चुकी है, अब जो है 16वीं यात्रा जो है डिगरोट से निकालेंगे, नए तबेले से निकालेंगे। अब देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, वो भी आपको जरूर दिखाएंगे, और आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है। ठीक है, जुड़े रहिएगा, देखते रहे, चलो बता रहे हैं आपने क्या किया, वही बहुत है समझ गए लो। सही है। तो ये आप देख रहे हैं भगवान जी को यहाँ पर जो है बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है भगवान जी को लेके जा रहे हैं घर पे। किशोर कृष्णदास प्रभु जी का नया घर बन गया है भगवान की विशेष कृपा से, तो आज जगन्नाथ जी को भी वहीं स्थापना के लिए लेके जा रहे हैं, और बड़े हमारे बच्चे देखे रेडी कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे लता जी आज? बस आप लोग को भी हमारे साथ ही रहना, भगवान के साथ हम भी जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलना, बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम। हरे कृष्ण। खाना जी का देखें सिंगार हो रहा है, और राधा मैया का भी अभी वृंदावन और गोकुल में भी जाएंगी बच्चियां दोबारा सिंगार करने, तैयारी कर ली आज से इन्होंने, आज से तैयारी है ना भाई वृंदावन गोकुल की पक्का? ठीक है चले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हरे कृष्ण? देख ले भाई भक्त आ गए हमारे। जय हो जय हो। राधे राधे। हम जो है यहाँ से अभी जगन्नाथ जी जहाँ गुरु जी रहते थे ये वो घर है, ठीक है, और अब जगन्नाथ जी यहाँ से जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं। गुरु जी का जो घर रेडी हुआ है जगन्नाथ जी वहाँ जा रहे हैं, तो सब भक्तों से ये प्रार्थना है कि जगन्नाथ जी को धूमधाम से और शोर शराबे के साथ लेते जाएं, लेके जाएं, और वहाँ स्थापित करेंगे गुरु जी की वहाँ। हरे कृष्णा। निकाय स्थापना करेंगे, स्थापना करेंगे डिगरोट में। ये बोल डिगरोट। अच्छा, अभी 16वीं मेरा ख्याल जगन्नाथ यात्रा जो है अब वो डिगरोट से आरंभ करेंगे? नहीं, वो जो होगी वो यहीं से होगी। अच्छा, जगन्नाथ यात्रा वो यहीं से होगी। अच्छा, शेड्यूल यही है हमारा पुराना, यही है शेड्यूल। यहाँ थोड़ा अंधेरा भी हो गया, बस हम जाते हुए थोड़ा सा शूट दिखाएंगे आपको, फिर कोशिश करेंगे कि सही तरीके से कुछ दिखा सके आप लोग को। ठीक है,
ये आज का यहाँ का मौसम है जो आप देख रहे हैं, ये आज लास्ट मौसम है। उसके बाद जगन्नाथ जी यहाँ से चले जाएंगे तबेले से, और फिर ये तबेले से जो है भगवान जो है अब जा रहे हैं हमारे। कुलदेवी माता को लोग कोई भी आगे आओ, जल्दी आओ गुड़िया। कौन लेगा कुलदेवी माता को? ले लो पहले, सब कुछ जाएगा, सब कुछ। सीधा खड़ा हो, सीधे सीधे करो, हाँ पीछे जाओ, पीछे लेन से खड़े हो पहले, इस पर थोड़ा रोशनी रख दो, नहीं आ रही सर। चले आप लोग भी कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आपने थम लिया है भगवान का, हम ये नीचे चले गए, हम गाड़ी की तरफ लेके जा रहे हैं भगवानों को। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी जो है गुरु जी जहाँ रहते थे अब वो जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ गुरु जी ने अपना घर लिया है, वहाँ जा रहे हैं और अभी वहीं पे विराजमान होंगे। हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जगन्नाथ जी जा रहे हैं डिग्रोड। अच्छा, ये दो, ये भगवान जो है इस साल दो यात्रा कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? अभी एक यात्रा चल रही है और एक जगन्नाथ यात्रा आने वाली है, फिर जगन्नाथ जी दूसरे धाम जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आज आपने बजरंग बली की ध्वजा ली है? ये बलराम जी की ध्वजा है। अच्छा, बलराम जी की ध्वजा है, कहाँ लेके जा रहे हो? मेरा जो लड्डू है, ठीक है, कहाँ जा रहे हो लेके? अच्छा, जबरदस्त। आपको दे दिए काली माता को पकड़ो, फोन भेज रहे हैं, एक मिनट पकड़ो,
आप देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी जो है इस साल हमारे पास दो यात्रा निकाली जा रही है, आप समझ लीजिए। एक यात्रा जो है वो जगन्नाथ जी के उस पर निकाली जाएगी और सब पे, और आज जगन्नाथ जी जो है वो अपने तबेले से जो है वो जा रहे हैं एक रोड में, हम जा रहे हैं आपको दिखाएंगे, जुड़िएगा। देखिए ये थम है मेरे हाथ के अंदर, और बस अभी यात्रा जो है आरंभ हो चुकी है। ये भी एक यात्रा है, आप देख सकते हैं कि इसमें लता जी बहुत खुश है। लता जी ने जो है वर्षा कर दी है फूलों की। सब लोग जगरोड क्या करने जा रहे हैं आज? जगन्नाथ जी को लेके इस साल दो दफा जा रहे हैं जगन्नाथ जी। हाँ अभी जा रहे, फिर से आएंगे आप देख लें, बड़ी मौज मस्ती चल रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होने वाला आज। अभी यात्रा जो है आरंभ हो चुकी है, अब दो गाड़ियां हमारी जा चुकी है, तीसरी गाड़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम निकल रहे हैं, आपको मिलाते हैं, डिगरोड चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ जी, अच्छा क्या कहेगी लता जी के साथ? अभी भी देखो इसके साथ जा रहा है, लड्डू गोपाल जी लेके जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, गाड़ी हमारी खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से हम शारा फैसल से सीधा डिगरोड की तरफ निकलेंगे। अभी आप लोग देख सकते हो, अभी हम शारे फैसल की तरफ आ गए और मम्मी पापा लोग बाइक पर है और मैं हूँ कि मैं वैन में बैठी हुई हूँ, और अभी बस हम जाते हैं तो आपको जाके भी दिखाते हैं। तो ये देखिए कान्हा जी हमारे, ये रहे हमारे कान्हा जी, और अभी हमारी वैन चल रही है। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी बाबा सुमेर। जय बोलो जगन्नाथ, जयो बलदेव, जयो जगन्नाथ, जयो बलदेव। अभी अब हम पहुंच चुके हैं डिगरोड पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं। अभी हमारी गाड़ियां आ चुकी हैं और ये जा रही है गाड़ियां। अभी डिगरोड में पहुंच चुके हैं। जय श्री राम, जय बजरंग राम, महादेव जय शक्ति। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय बलनाथ, राम को मुबारक हो, मुबारक हो। वृंदावन चंद्र प्रभु के जगन्नाथ भगवान, वृंदावन चंद्र जगन्नाथ, जय बलदेव, हरि बोल। जय श्री राम। कैसा लग रहा है? भगवान आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ क्या कहना चाहेंगे आज भक्तों को? बहुत ये महाराज जी के पिता श्री है हमारे किशोर कृष्ण दास के, तो आज ये बहुत खुश है क्योंकि भगवान आज इनके घर पे आ गए। हमारे को सब कुछ मिल गया। हरि बोल प्रभु। जय जय प्रभु की जय हो। हरि बोल। वृंदावन चंद्र प्रभु जय जगन्नाथ। Thank you.
बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोलो बोलो कुछ बोलो जय बोल दे जगन्नाथ भगवान की जय तो बोल दे यार कहना चाहेंगे बहुत बहुत खुशी है भगवान जी हमारे यहाँ डिग रोड में बना रहे हैं और बहुत ही बहुत हमारे प्रभु हमारे से दूर थे हमारे गरीब हो गए हमें इससे बड़ी और खुशी क्या बहुत बड़ी बात है आपके डिग रोड में रहते हैं हमारे पास प्रभु भी आ गए और भगवान भी आ गए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद
कि आज जो है तो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आए जगन्नाथ यात्रा के अंदर, ये भी एक यात्रा है। हम हर साल यात्रा निकालते हैं, मगर आज ये यात्रा जो है हमने तबेले से लेके हम आए डिगरोड तक, और डिगरोड तक आके ये स्थापित की गई है किशोर कृष्णदास प्रभु का ये नया भवन बना है, जिस भवन में भगवान जो है ना अपने भक्तों के बगैर रहते नहीं है, और ये उसी जब से वहाँ थे, मगर आज जो है भगवान अपने अपने जो प्रिय भक्त हैं उनके घर पे आ गए हैं। और क्या कहेंगे लता जी आज? बस यही, क्योंकि जो बच्चियां सेवा करती थी तबेले में वो इतनी रो रही हैं बच्चियां, कैमरा आपको रवि जी मार के बताएंगे, बस इंटरव्यू नहीं दे रही हो बच्चियां, बहुत रो रही है भगवान के लिए कि हम सुबह जाएंगे तो हमें सुनना लगेगा। बस भगवान तो मन में होते हैं, तो बस भगवान अभी यहाँ भी आ गए, जगन्नाथ भगवान और इंडिया में भी है, तो क्या बोल सकते हैं हम, मुझसे तो बात भी नहीं हो रही आज।
आज तो खुशी का दिन है और आपने देखा कि पूरा परिवार इनका जो है वो वर्षा भी फूलों की आपको हमने दिखाई, वर्षा हुई फूलों की भगवान की, जैसे ही घर के भवन में अपने आए तो वर्षा हुई है और बहुत अच्छी वर्षा हुई है। आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे, आपको बहुत आनंद भी और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं, जुड़े रहिए, देखते रहें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें। आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे रहते, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फाइनली इतने काफी टाइम बाद नानी जी से मेरी मुलाकात दोबारा हो गई, बहुत मजा आया था। आप लोग मेरे ब्लॉग में जाओ, इंडिया वाले में आप पहचान लोगे। दोबारा इंडिया जाना, दोबारा इंडिया जाना, दोबारा इंडिया जाना, दोबारा इंडिया ट्रिप होना चाहिए। यही लोग बजाए होंगे तो हम जरूर जाएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत सारी मैसेज होती थी भगवान के। भाभी बताओ, भगवान आ गया, आपका घर अब कैसा लग रही हो आप? बहुत अच्छा लग रही है हमारे, बहुत खुशी महसूस हो रही है, सेवा को मौका मिल गया हमारे। और इतने दिन से उदास थे ये सब, आज हमारे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जड़े हमें बड़े भगवान तो जरूर होना चाहिए, होना चाहिए, सही। देखिए ये कृष्णा किशोरदास प्रभु जी की माँ जी है और आज बहुत खुश है क्योंकि आज इनके घर पे भगवान आ गए। भक्त जो है ना, भक्त के बगैर भगवान भी रहता है, क्योंकि भगवान के भक्त यहाँ थे तो भगवान बहुत वहाँ भी उदास थे, ये यहाँ उदास थे। आज भगवान भी हमें लग रहा है कि बहुत खुश है क्योंकि चेहरे से देखे हम भगवान को भी दिखाते हैं। और माँ जी जो है आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ऐसा पुत्र जो जन्म दिया है जिसने भगवान को वाकई जगन्नाथ जी की हमें भी दर्शन कराया, हम इंडिया होकर आए इनके साथ, इनके ग्रुप के साथ, और जगन्नाथ भगवान ने हमें वहां भी बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। माँ जी से थोड़ा सा एक दो बात करेंगे, माँ जी इंडिया की कुछ बात बताए जगन्नाथपुरी की थोड़ी सी। आप जगन्नाथपुरी में तो हमें सेम भगवान ही नजर आए थे, बस जगन्नाथ जी की तो बात ही बस। दोबारा जाएंगे बस, जब भगवान जी हमें बुलाएंगे, बस बुला लिया हमें भगवान जी ने, जाएंगे। बहुत समय तक हमने वहाँ भगवान के साथ वक्त गुजारा, और वो तब से बहुत बहुत बधाई हो, लख लख बधाइयां, सो सो बधाइयां, जोरदार तालियां, और उन सब जिन्होंने इस भवन को बनाने में दिन रात मेहनत की, बहुत समय दिया। यकीन जाने मैं बहुत निकट रहा हूँ इस परिवार से, और इनकी मेहनत तो और इनकी जो भी जद्दोजहद रही है उसको बहुत नजदीक से मैंने फील किया है, महसूस किया है। और ये एक सच्चा परिवार कहा जाता है, और भगवान जानता है मैं अपने परिवार में अपने भाइयों को इस बात की मिसाल देता हूं कि परिवार हो तो ऐसा होना चाहिए। महाराज के जैसा तुम मथुरा जाओ और मथुरा में ही मधुवन, और मधुवन में यमुना जी की धारा बहती है, वहीं पर तुम इस मंत्र का जप करो, तुम्हें परमात्मा बन मिलेगा भगवान। तो 5 साल के बालक श्री ध्रुव जी महाराज जी
सबसे पहले ध्रुव महाराज जी क्या करते थे, जो बेर है ना बेर, जो नीचे बेर गिरे हैं वो खाएं अपनी जीविका चलाने के लिए। राधे श्याम हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे। हाँ भाई कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। क्या लग रहा? बहुत अच्छा। मिठाई खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया की भी यादें आ रही है। इंडिया जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सुना है सुना है, वो गाना सुना है आज? सुना है सुना है सुना है सुना है, थोड़ा सा गाना गाया था। सुना है सुना है। तो चलो कोई आज कोई भजन सुना दे। चलो खुशी में खुशी का घर का गाना। हाँ बस सारे शुरू करें गाए गाया। जय श्री राम। आओ ना राम सही देखो मेरी बात झोपड़ी के बाहर खुले जाएंगे। गाओ अच्छा आप लोगों ने तो इंडिया की यादें ताजा कर दी, तो आप इंडिया वापस कब जाना है? चलो बताए इंडिया कब वापस जाना है? अभी तो घर बनाया है। अभी तो घर बनाया, अभी जगन्नाथ आने वाली है। यात्रा के बाद फिर सोचेंगे यात्रा के बाद नहीं, फिर हम सोचेंगे देखेंगे। और अभी तो फिर अभी घर है अभी तो, लेकिन आज हमारा इधर ही इंडिया लग रहा है हमें। हरी बोल हरी बोल। एक बार फिर एक बार फिर थोड़ा सा जाना कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। शादी का बोले भाई कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। दिखाओ तो सही, किसी के पास प्लेट है तो प्रॉपर करो। बिरयानी प्रसाद ये देखिए, इंडिया में बहुत करते थे बिरयानी के लिए। जी जी इंडिया में हम लोग जो याद करते थे। कैसा है, क्या नाम है आपका? आपका बेटा? अच्छा आप लोग क्या कर रहे हैं प्रसादी? कौन क्या प्रसादी में? बिरयानी आपकी पसंदीदा डिश है? बहुत आनंद आता है आपको खाने में। चले हरी बोल।